बांग्लादेश में जारी हिंसा अब विकराल रूप ले चुकी है। भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। इसी बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर आई है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़कर भाग गई हैं। उनके इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ ने एक अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने चौराहे पर लगी शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़े कर दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शेख मुजीबुर रहमान है कौन। बांग्लादेश की राजनीति में शेख मुजीबुर रहमान का कद कुछ ऐसा है जैसे भारत में महात्मा गांधी हैं। बांग्लादेश की आवाम में मुजीबुर रहमान बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं। शेख मुजीबुर ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बनने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। वह 1971 से लेकर अगस्त 1975 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। वो देश में शेख मुजीब के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें आदर के तौर पर बंगबंधु बुलाया जाता था। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को गोपालगंज के तुंगीपारा गांव में हुआ था। 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मुजीबुर रहमान की नज़दीकी दोस्ती थी। उस समय शेख मुजीबुर रहमान ने नेशनलाइजेशन पर खासा जोर दिया था। राष्ट्रपति होने के नाते उनका सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रीय राजनीति पर था, लेकिन धीरे धीरे उनके खिलाफ कुछ लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। स्थानीय स्तर पर चुनाव नहीं कराए गए। मुजीब पर सरकार में भाई भतीजावाद करने के भी आरोप लगने शुरू हो गए। बांग्लादेश एक नए तरह के सशस्त्र मार्क्सवादी आंदोलन का उभार भी देख रहा था। 4 साल बीते बीते मुजीबुर रहमान के खिलाफ अलग अलग धड़ों में गुस्सा पनपने लगा। इसमें सेना के कुछ अधिकारी भी शामिल थे। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर टैंक लेकर हमला कर दिया और इस हमले में शेख मुजीबुर रहमान समेत उनका परिवार और स्टाफ बुरी तरह से मारा गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।